आगामी 4 नवंबर को राजधानी देहरादून में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है। श्री पशुपति नाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में दूर से लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी चिंतानंद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों में सांसद और विधायकों को भी वहां पर मौजूदगी रहेगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम के संयोजक दीपक बाली ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उपस्थित भक्तों से वार्ता करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पौड़ी जिले में देश के पहले CDS बिपिन रावत की याद में एक भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इस मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति स्थापित की जाएगी जो नेपाल से लाई जाएगी। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से सनातन कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। रावत जी के जो गांव है गांव में शामिल होंगे एवं देवभूमि के हमारे धर्मगुरु संत लोग वो भी इसमें शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी धामी सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रीगण एवं विधायक उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहेगी। जैसा कि बहुत समय से इस बात की तैयारी की जा रही थी कि देवभूमि में बाबा जी का दिव्य दरबार लगे और यहाँ की जनता को भी उनके दिव्य दर्शन प्राप्त हो, तो इसका बीड़ा जो उठाया है वो जो आयोजक मंडल में जो हमारी ट्रस्ट है श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये कहूँगा, निवेदन करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक